हे इट्स मी दीपेंद्र, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपेंद्र। गाइज, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरनेट की 5 ऐसे गजब और बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बात करूंगा, जिसे देखने के बाद आप लोग बोलोगे वाओ, आवेसम, फंटास्टिक, माइंड ब्लोन। गाइस, इंटरनेट तो कई तरह की वेबसाइटों से भरा पड़ा हुआ, यानी कि इंटरनेट में लाखों अरबों, यानी कि गाइस क्या ही बोलूं, अनगिनत वेबसाइट पड़ा है। लेकिन अनगिनत वेबसाइट में से मैं आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट अमेजिंग वेबसाइट के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ लास्ट में 2 बोनस वेबसाइट भी है। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं ज्यादा टाइम आप लोगों को वेट ना कराते हुए चलता हूं उन 5 अमेजिंग वेबसाइट और प्लस 2 बोनस वेबसाइट की तरफ, जिसे देखने के बाद आप लोग श्योरली बोलोगे वाओ, फंटास्टिक, माइंड ब्लोन। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वेबसाइट का नाम है स्केल ऑफ द यूनिवर्स। सो मैं जितना भी वेबसाइट का बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप लोग वहां पे क्लिक करके इजीली वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्ट, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है, तो जैसे कि आप लोग कौन सा लैंग्वेज पूछते हो, तो जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे इंग्लिश को चूज करता हूँ, और आपको भी प्रीफर यही करूँगा अगर आप लोग जो आपका मन करे इसमें, लेकिन इंग्लिश मैं फर्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी इसका देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को ऐसा दिखेगा, अब यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। अब स्टार्ट करने के बाद आप लोग देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है और कितना अमेजिंग वेबसाइट है। अब यहाँ पे यानी कि यूनिवर्स का सबसे छोटा थिंग से लेके यूनिवर्स का सबसे बड़ा, यानी कि यूनिवर्स में सबसे छोटी ऐसी कौन सी चीज़ है और यूनिवर्स में सबसे बड़ी ऐसी कौन सी चीज़ है, सभी के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो मैं सबसे पहले आप लोगों को यूनिवर्स का सबसे छोटा आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद यूनिवर्स का सबसे बड़ा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम जो मानव है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी यानी कि कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ह्यूमन बॉडी अभी यहाँ पे है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यूनिवर्स का सबसे छोटा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे ह्यूमन के अंदर हम अभी इससे छोटे, यहाँ बास्केटबॉल, इसके छोटे चिकन एग, अभी यहाँ पे एंट पे आ चुके हैं, उसके बाद और भी हम यहाँ पे छोटे जाएंगे। अभी यहाँ पे आप लोग देखना यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, अभी और छोटे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे डीएनए भी आ चुका है आप लोग देख सकते हो, और इससे भी छोटा कौन सा चीज़ है अभी आप लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या सबसे छोटा कौन सा चीज़ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हीलियम न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूट्रॉन, अभी आप लोग और देखो यहाँ पे हाई एनर्जी न्यूट्रियन, अभी यहाँ पे देखते हैं टॉप कॉर्क, अभी एक कॉर्क आ गया है न्यूट्रियन। अभी यहाँ पे सबसे छोटा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यूनिवर्स का सबसे छोटा कौन सा चीज़ है। सो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लैंक लेंथ, जो कि यूनिवर्स का सबसे छोटा चीज़ है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटम फॉर्म स्ट्रिंग, यानी कि ये यूनिवर्स का सबसे छोटा चीज़ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्स का सबसे छोटा चीज़ देख लिया। सो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा यूनिवर्स का सबसे बड़ा, यानी कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा कौन सा चीज़ है। सो अभी यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, अभी हम मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा यूनिवर्स का सबसे बड़ा कौन सा चीज़ है। तो अभी एरोप्लेन यहाँ पे हम सब यहाँ पे देख सकते हो, एफिल टावर को भी क्रॉस कर चुके हैं, बुर्ज खलीफा, सेंट्रल पार्क आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे आए गए हैं अपने सौरमंडल पे, लगभग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अर्थ, यहाँ पे वेनस, तो अभी यहाँ पे हमारा सन है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा कौन सा चीज़ है। सो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी यूनिवर्स का सबसे बड़ा कौन सा चीज है, यानी कि रिंग नेबुला भी हमने क्रॉस कर चुका है, कोन नेबुला भी क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
ये गैलेक्सी, गैलेक्सी को भी हमने यहाँ पे पार कर लिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लगभग लगभग हमारा मिल्की वे गैलेक्सी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे लास्ट आप लोग देखो लास्ट में क्या होता है। अब फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है अभी इसका कोई अनुमान ही नहीं है। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि ये जो चीज़ दिखा है ये इतना बड़ा है कि हम पहले इसी का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो अब बताइए हमारा यूनिवर्स अभी आप लोग यहाँ पे डॉट डॉट देख रहे हैं, ये तो इतना एक छोटा सा चीज़ है यूनिवर्स का। ये इतना जो आप लोग अभी देखी हो ना ये यूनिवर्स का एक छोटा सा चीज़ है। अभी यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है अभी किसी को पता नहीं है ना, वो कोई फ्यूचर में ऐसा लगता है कि कोई कभी पता कर पाएगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। सो ये था फर्स्ट वेबसाइट। आई होप आप लोगों को फर्स्ट वेबसाइट काफ़ी अच्छा और काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, मैं अच्छे से अच्छा नॉलेजेबल क्वालिटीदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता रहूँगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड वेबसाइट की तरफ। सेकेंड वेबसाइट है डांसिंग रोबोट, यानी कि रोबो बोगी। ये भी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इंटरटेनमेंट थोड़ा इसमें है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रोबोट आ चुका है। अब आप लोग यहाँ से चूज अ रोबोट टू मेक योर डांस, तो आप लोग यहाँ से रोबोट को चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कौन सा रोबोट चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो हम लोग यहाँ पे एक रोबोट को चूज कर लेते हैं कौन सा रोबोट बेटर लगेगा। जैसे कि ये रोबोट थोड़ा ठीक लग रहा है, यानी कि थोड़ा फनी है, लेकिन हम इसी को प्रीफर करेंगे यहाँ पे, इसी रोबोट को यहाँ पे। अब लेट्स डांस। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है हमारा इंटरफेस। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इसका मूवमेंट को यहाँ से चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग सॉन्ग को भी चेंज कर सकते हो, आप लोग कौन सा सॉन्ग यहाँ पे चलाना चाहते हो। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो सॉन्ग चलेगा। अब यहाँ पे आप लोग इसका मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देखो मैं सबसे पहले इसका मूवमेंट सिर्फ इसका हेड हिलाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप देखो रोबोट अपना हेड अप डाउन कर रहा है, यानी कि अपना हेड अप डाउन कर रहा है। तो कितना अप डाउन करे ये हमारे ऊपर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका जो है मैं चाहता हूँ हेड लेफ्ट राइट हो और अप डाउन भी हो, तो यहाँ से देखो अब इसका हेड लेफ्ट राइट अप डाउन दोनों सब चारों हो रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसके लेफ्ट अपर आर्म में भी मूवमेंट हो कुछ हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसका भी बढ़ा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हैंड वाला। उसके बाद मैं राइट वाले में भी चाहता हूँ राइट वाला भी कुछ हो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका डांस। तो इतना तो मूवमेंट काफी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसका मूवमेंट यहाँ से कम कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग एंगल यहाँ पे ये बढ़ा दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस बार थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ पे इसका डांस थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे और कंट्रोलिंग हमारे पास है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लेफ्ट आर्म को भी यहाँ पे अभी देख सकते हो, इसको भी हम यहाँ से थोड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसे हम यहाँ पे थोड़ा अपने तरीके से, आप लोग भी यहाँ से अपने तरीके से इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो और अपने अनुसार से इसे। अब यहाँ पे मैं इसका हिप्स यहाँ पे अप डाउन भी करूँगा, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लेफ्ट राइट भी करूँगा, यानी कि यहाँ से आप लोग रोबोट को अपने मन से डांस करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेव करके शेयर कर सकते हो इस डांस को, यहाँ पे सॉन्ग भी आप लोग चूज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देखो चार सॉन्ग है यहाँ पे अवेलेबल है। ये मुझे बहुत ही बेटर वेबसाइट लगा था, तो इसीलिए मैंने इसे सेकंड पोजीशन पे रखा हूँ। वैसे तो जो मैं पांच बताऊँगा सभी बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अमेजिंग है, पोजीशन पे आप ना जाइए, सभी बहुत अच्छा है। आप लोग वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखिएगा। ये था हमारा सेकेंड वेबसाइट। आई होप आप लोगों को सेकेंड वेबसाइट भी अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड वेबसाइट की तरफ। जो हमारा थर्ड वेबसाइट है वो है रिवॉल्विंग गूगल। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप लोग वहाँ से क्लिक करके इजीली आ सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देखो ये है रिवॉल्विंग गूगल, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गूगल किस तरह से यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब ये काम करेगा, पूरा टोटली काम करेगा, लेकिन ये रिवॉल्विंग गूगल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रोटेट है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा, तो जैसे कि हाय गूगल, तो यहाँ पे सब काम करेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हाय गूगल, यहाँ पे गूगल असिस्टेंस आ गया। तो मैं यहाँ से इसे बैक करता हूँ। अभी यहाँ पे बैक हो गया, मैं यहाँ पे टेक्निकल दीपेंद्र यहाँ पे सर्च करता हूँ। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल दीपेंद्र का ये आ चुका है।
सब डिटेल्स, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैप, न्यूज़ फीड, यहाँ पे वीडियो, इमेज। तो हम यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इमेज पे क्लिक हुआ है कि नहीं। यहाँ पे लगता है इमेज पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो इमेज पे क्लिक हो गया है। अब यहाँ पे इमेज भी शो करेगा, सब रिवॉल्विंग यानी कि रोटेट हो रहा है पूरा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये टेक्निकल दीपेंद्र मैंने लिखा था, तो ये सब आया था मेरा फोटो वोटो जो है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ही गूगल पे है, पॉपुलर है थोड़ा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब मेरा ही फोटो यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है। तो यानी कि देखने में ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा, काफ़ी अमेजिंग वेबसाइट लग रहा है। ये था हमारे थर्ड पोजीशन पे। पोजीशन पे आप लोग ना जाइए, सभी वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ वेबसाइट की तरफ। जो फोर्थ वेबसाइट है वो है रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकर लाइव। लाइव हम फ्लाइट, किसी भी फ्लाइट को कैसे ट्रैक करें। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि अगर आप आसमान पे हो, यानी कि ही खुले आसमान में हो, अगर आपके ऊपर कोई भी फ्लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो आप लोग लाइव उसका डिटेल देख सकते हो। आप लोग उससे पता कर सकते हो कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रही है, उसका पूरा बायोडाटा, पूरा डिटेल्स आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। या वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो, कोई भी हो फ्लाइट, आप लोग हर एक फ्लाइट का आप लोग इजीली डिटेल ले सकते हो। आप लोग जान सकते हो कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रही है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये लोड हो रहा है, काफ़ी थोड़ा स्लो चल रहा है नेट आज मेरा। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये लोड हो रहा है। अभी आप लोगों को यहाँ पे सभी फ्लाइट यानी कि अभी फ़िलहाल जितनी भी फ्लाइट अभी ट्रेवल कर रही है हवा में जो है, सभी फ्लाइट आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा। आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सभी फ्लाइट यहाँ पे शो कर रहा है जो कि अभी ट्रेवल कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे फ्लाइट को ट्रैक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, हम इसे यहाँ पे ट्रैक करें। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चितांगोंग से दुबई जा रही है। अभी आप लोग यहाँ पे फ्लाइट को देख सकते हो, 1253 किलोमीटर इसने अपनी दूरी तय कर चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी 2447 किलोमीटर अभी बाकी है, यानी कि अभी यहाँ पे कितना टाइम है सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। शेड्यूल यहाँ पे 8:30 इसका शेड्यूल है, एक्चुअल 8:40 है, और यहाँ पे एस्टिमेटेड आप लोग यहाँ पे 11:50 है, यहाँ पे शेड्यूल में 12:05 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ से ये फ्लाइट उड़ान अपनी ली है और अभी यहाँ पे पहुँची है। अभी दुबई जाने में इसे बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी। अभी आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी और भी यहाँ पे जो फ्लाइट अभी ये जितनी भी यहाँ पे पीली पीली फ्लाइट आप लोगों को दिख रही है, ये सब अभी ट्रेवल कर रही है, लाइव ट्रेवल कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरी एकदम फ्लाइट ही, यहाँ पे जितनी भी दिख रही है सभी फ्लाइट है, ये अभी ट्रेवल कर रही है लाइव। आप लोग यहाँ पे किसी भी फ्लाइट पे क्लिक करके उसके बारे में डिटेल ले सकते हो, जान सकते हो कि वो फ्लाइट कहाँ से कहाँ पे जा रही है। डर इस्लामा से दुबई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअल यहाँ पे टाइमिंग, एस्टिमेटेड टाइमिंग अभी यहाँ पे 608 किलोमीटर बाकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइव है, अभी 608 किलोमीटर है, अभी यहाँ पे कम हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देखना, और ये धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा यहाँ पे, यानी कि अपने मंजिल पे पहुँचेगा धीरे धीरे, जहाँ उसका टारगेट है वहीं पे आगे बढ़ेगा। यहाँ पे अभी देखना, आप लोग यहाँ पे देखे थे अभी 608 था, अभी 606 से 603 हो गया, यानी कि ये ट्रेवल कर रहा है, सब लाइव यहाँ पे चल रहा है। अभी कितना फ्लाइट ट्रेवल कर रहा है आप लोग यहाँ से पता करके सब देख सकते हो पूरी लाइव। और अब बात करते हैं ये जो पांचवा वेबसाइट है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ही मैं आप लोगों को एकदम हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करना। आप लोगों के लिए ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो सकता है। ये वेबसाइट का नाम है रैनी मोड। तो जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो रैनी मोड, आप लोगों को यहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा ही बेटर लगा था मुझे। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ एक्चुअल ऐसा है कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप लोग हेडफोन लगा के इससे वेबसाइट को ओपन करके अगर आप लोग सुनोगे, तो आप लोगों को कुछ पल में ऐसा लगेगा कि यार सच में बारिश बाहर हो रही है। अगर आप लोग रूम के अंदर रहोगे ना,
तो आप लोगों को ऐसा लगे कि यार सच में बाहर बारिश हो रही है, काफ़ी बेटर लग रहा है। इस वेबसाइट को मैं भी ट्राई किया था, काफ़ी मुझे बेटर लगा था। मैं अपने कान में हेडफोन लगा के यानी कि थोड़ा लिख रहा था, यानी कि मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो हेडफोन लगाया था और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो कुछ पल में मुझे ऐसा लगा था कि यार सच में बाहर बारिश हो रही है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और बहुत ही माइंड फ्रेश किया मेरा, बहुत ही बेटर लगा था। मैं टाइम टाइम पे इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, फील अच्छा देता है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को भी बताया जाए। और अब बढ़ते हैं अपने दो बोनस वेबसाइट के तरफ जो कि काफ़ी बेटर है आप लोगों के लिए, तो अभी वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखना। सो जो फर्स्ट वेबसाइट है बोनस वेबसाइट में, जो फर्स्ट वेबसाइट है इसका नाम है वर्चुअल अरेंजमेंट। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वर्चुअल अरेंजमेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे 3D बोर्ड दिखेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे साउंड को यहाँ पे माइक को लगा लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे बोर्ड को देख सकते हो। सो ये बोर्ड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब इस बोर्ड में क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे देखना अपने माउस का राइट बटन आप लोग यहाँ पे खींचना और यहाँ से स्क्रॉल करना। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने बचपन में इस गेम को खेला होगा। सो जो खेले हैं बचपन में इस गेम को, सो वो लोग कमेंट जरूर करें। जैसे कि आई थिंक आप लोग ईटे से खेले होंगे। सो अभी आप लोग ने देखा मैं इसे बनाया, अब मैं यहाँ से बीच में से इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसे गिराता हूँ इसके तरफ, उसके बाद इसे भी इसके तरफ गिराता हूँ। सो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये गिरा नहीं, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा और बना लेता हूँ। हाँ यहाँ पे गिरा, अभी आप लोग देखना यहाँ पे क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद हिलेगा, उसके बाद गिरेगा। आप लोग देखना उधर वाला तो गिर गया, ये इधर वाला तो इधर ही गिरेगा। मैं यहाँ से इसे थोड़ा जोड़ लेता हूँ, अब मैं यहाँ से गिराता हूँ, इधर वाला इधर ही गिर गया। अब इसे यहाँ पे गिराता हूँ यहाँ से, अभी देखना है ये भी गिरा। अब गिरने के बाद आप लोग देखना है कितना खतरनाक लग रहा है। आप लोग ने भी बचपन में इस गेम को खेला होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ से क्लियर करके यहाँ से सीधा ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इसे राइट पे क्लिक करके इसे गिराता हूँ। इसे क्लिक करना आप लोग, यहाँ पे देखना ये गिरेगा यहाँ पे, जैसे कि देखिएगा आप लोग ये गिरा है, कितना मस्त लग रहा है, थोड़ा ये अमेजिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसे बोनस के जरिए आप लोगों को बताया जाए। सो ये था हमारा फर्स्ट बोनस, यानी कि आप लोग यहाँ से रेंडम इसे बना सकते हो, उसके बाद इसके साथ खेल सकते हो। आप लोगों ने तो बचपन में कई दफ़ा आप लोगों ने इसके साथ तो खेला ही होगा, सो थोड़ा बचपन भी आप लोगों को याद आ जाएगा इसके ज़रिए। सो अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड बोनस वेबसाइट की तरफ। सो जो हमारा सेकेंड वेबसाइट है वो एंशिएंट अर्थ ग्लोबल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो ये है हमारा सेकेंड बोनस वेबसाइट, जो कि आप लोग यहाँ पे अर्थ देख सकते हो, जो कि 250 मिलियन पहले का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो व्हाट डिड अर्थ लुक लाइक 250 मिलियन ईयर्स एगो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सभी कि हमारा जो अर्थ है वो कितने मिलियन पहले की कैसा था, आप लोग यहाँ पे सब देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं लास्ट से आप लोगों को यहाँ पे, अभी आप लोग यहाँ पे देखो ये 250 मिलियन पहले हमारा अर्थ कैसा दिख रहा था। आप लोग यहाँ पे अपना अर्थ, यहाँ पे अर्थ को देख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग सर्च ऑप्शन पे टाइप करके अपना कंट्री लोकेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इंटर सिटी, अगर सिटी है तो आप लोग सिटी का भी नाम यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ से आई इंडिया को सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे इंदौर को सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश जो कि इंडिया में है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले इंडिया ऐसा था जो इसका 250 मिलियन पहले हमारा जो, यानी कि इंडिया जो है ऐसा था। तो आप लोग देख सकते हो इंदौर यहाँ पे पड़ता है अभी जो इंदौर है, तो 250 मिलियन पहले इंदौर कहाँ था, कहाँ था किसी को पता ही नहीं। लेकिन अब हम यहाँ पे अभी तो 250 यानी कि 240 मिलियन है। अब हम यहाँ पे जाएंगे 500 मिलियन पे, देखेंगे 500 मिलियन पहले जो अर्थ वो कैसा था। ओ माय गॉड, 500 मिलियन पहले अर्थ ऐसा था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 500 मिलियन पहले, ओ माय गॉड। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उतना हरियाली भी नहीं है यहाँ पे इस अर्थ पे, पुराने वाले 500 मिलियन पहले वाले अर्थ पे। सो अभी आप लोग यहाँ पे देखो इंदौर कहाँ पे है, यानी कि अभी यहाँ पे थोड़ा मैप का जो नक्शा वो दिखा रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ से पहचान लो कि ये इंडिया ही है, वरना यहाँ पे देखो इतनी भाग पूरी समुंदर में है,
यहाँ से इंदौर से इतनी ऊपर भाग, यहाँ पे नेपाल में भी थोड़ा समुंदर टच हुआ है। 500 मिलियन पहले समुंदर नेपाल में भी टच हुआ था, जो अभी फिलहाल नेपाल लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी तरह से समुंदर को टच नहीं करता है। सो अभी देखना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 500 मिलियन पहले नेपाल भी टच था समुंदर से, तो हम भी कह सकते हैं पहले ज़माने में नेपाल भी टच था समुंदर से, क्योंकि मैं नेपाल से ही हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ 750 मिलियन पहले अर्थ हमारा कैसा था। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, माय गॉड वाओ। सो यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 750 मिलियन पहले तो हमारा नेपाल पूरा पानी में ही था, समुंदर में ही था, और इंडिया लगभग लगभग आधा यानी कि 80% बोले तो इंडिया भी पूरा पानी में ही था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओ माय गॉड, ये है 750 मिलियन पहले का अर्थ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओ माय गॉड, तो ये काफ़ी अमेजिंग मुझे लगा था, तो मैंने सोचा इसे बोनस के जरिए आप लोगों को बताया जाए इस वेबसाइट के बारे में। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइज मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इसे अच्छा से अच्छा और नॉलेजेबल और क्वालिटीदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता रहूंगा। सो प्लीज गाइज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। प्लीज गाइस कमेंट आप लोग जरूर करना, जो भी आप लोगों को अच्छा फीडबैक जो भी कुछ है कमेंट जरूर करना। कमेंट जितना भी आप लोग कर सकते हो आपके ऊपर है, कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी और का भी हेल्प हो सकता है, कोई और भी इस अमेजिंग वेबसाइट के बारे में जान के उसका भी कुछ फायदा हो सकता है, तो प्लीज़ यार बेशक दिल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, सभी के साथ शेयर करो। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस टेक्निकल दीपेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज नीचे लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो बस आज के इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।